नमस्कार, मैं अजीत धोबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पांच गनी के और एक एपिसोड में आज मैं आपको पांच गनी के पहाड़ी इलाकों में स्थित देवराई आर्ट गैलरी विलेज में ले चलता हूं। देवराई आर्ट विलेज 2 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यहां आदिवासी शिल्प कला के कारीगर और कलाकारों का घर है, जो गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है। देवराई आर्ट गैलरी के फाउंडर मेंबर मंदाकिनी माथुर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो एक फिल्मकार है, शिक्षक है, लेखक है और कवियत्री भी है। उनके मार्गदर्शन में गढ़चिरौली क्षेत्र से 3 ढोकरा कलाकारों को पांच गनी में एक सुरक्षित स्थान मिला और वे 2008 के अक्टूबर में देवराई के पीपल के पेड़ के नीचे काम करने लगे। जल्द ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मास्टर कारीगर भी शामिल हो गए और देवराई कला गांव का जन्म हुआ। पांच गनी के देवराई कला गांव या देवराई आर्ट विलेज पुणे से केवल 2.5 घंटे की दूरी पर है वाया NH-48। पांच गनी में अगर वेकेशन मनाने आ रहे हो तो देवराई काफी नजदीक है। यह स्थान आदिवासी कल्चर, उनके अनोखे आर्ट, उनका सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो चलो चलते हैं देवराई आर्ट विलेज में और देखते हैं यहाँ क्या विशेष है। ये स्थान स्थानीय और ग्रामीण कला का एक मेल है। यहाँ ग्रामीण और शहरी कला को साथ मिलाकर एक आकर्षक कलाकृति के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ऐसा आर्ट जो आपके घर के लिविंग रूम या आपके ऑफिस की शोभा बढ़ाएंगे। इन कलाकृति में सबसे विशेष है रॉक ढोकरा आर्ट, जिसे पेटेंट किया गया है, जो धातु और पत्थर का मिश्रण की कास्टिंग से बनी कलाकृति जो आपने अभी तक शायद ही देखी हो। दूसरा है ऑर्गेनिक ढोकरा आर्ट, एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ की पत्तियां, पेड़ की छाल और फल जैसे प्राकृतिक सामग्री को सीधे धातु में डाला जाता है और कास्टिंग की जाती है। कुछ वस्तुएं लोहा, पीतल, पत्थर, लकड़ी, बांस और कपड़े में बनती है और उपलब्ध है। यहाँ की डोकरा और तुम्बा आर्ट की खूबसूरत वस्तुएं कला प्रेमियों को काफी पसंद आती है। यहाँ ब्रास की कई सारे मिनिएचर शेप्स का संग्रह है, जो 2500 रुपीस से शुरुआत होती है। यहाँ लकड़ी और टेराकोटे से बने लैम्प्स आपको आकर्षित करेंगे, जो 3000 भारतीय रुपए से शुरू होते हैं। यदि आप अपने वस्त्र के लिए कुछ यूनिक और आर्टिस्टिक खोज रहे हैं तो आप उनके चांदी के पेंडेंट का कलेक्शन देखना चाहिए, जो अनगिनत आकर्षक आकारों के पैटर्न में मिलते हैं, जैसे फूल, कछुआ, अलग अलग चेहरे और सिंबल्स के। देवराई आर्ट गैलरी ये उनके लिए महत्व का स्थान है जो व्यक्ति कला प्रेमी हो, कला से प्यार करने वाला हो और जो विभिन्न संस्कृति कल्चर एक्सप्लोर करने में रुचि रखता हो और अपने अनुभवों को विभिन्न रूपों में डॉक्यूमेंट करने वालों के लिए तो उपयुक्त है। यहाँ के स्थानीय लोग काफी दोस्ताना है और आपको अपने प्यारे प्यारे कुटिया और काम क्षेत्रों में स्वागत करेंगे। उनके साथ बैठिए, बात करिए और उनकी कला को प्रोत्साहित करिए। ये जो कला है हमारे देश की धरोहर है, इसे हम और आप ही जिंदा रख सकते हो। इस देवराई आर्ट गैलरी के फाउंडर को मैं मिल नहीं पाया, बस घूमते घामते मैं यहाँ पहुंच गया था। अगली बार आऊंगा तो मंदाकिनी माथुर जी से जरूर मिलूंगा। इस दुर्लभ कला को जिंदा रखना और इसे विलुप्त होने से बचाने का जो प्रयास मंदाकिनी माथुर जी ने किया है वो काफी प्रशंसनीय है। कैसे लगा आपको देवराई आर्ट गैलरी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। विश्वास है ये पांच गनी देवराई विलेज की जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक तो बनता है। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और मेरे चैनल अजीत भोबे को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलती है, तब तक के लिए अजीत भोबे का नमस्कार।